हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए वर्ल्ड क्लास वीडियो लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों वोकेबलरी का वीडियो है। और दोस्तों ये कंटेंट मैंने कहां से लिया है, द हिंदू न्यूज़पेपर दोस्तों जो आता है ना खतरनाक, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया पेपर, सबसे महंगा, 500 रुपये महीना का पेपर है भाई साहब। तो बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड आते हैं, इसलिए इसका रेट 500 है। तो आपको फ्री फोकट में जो सीखने को मिल रहा है ना, तो अच्छे से देख लेना, एक अर्जुन की तरह, योद्धा की तरह कुछ सीखना, अपना टाइम इस्तेमाल करना। आई गारंटी यू आपके चेहरे पर हुई स्माइल और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कहेंगे भाई साहब टाइम यूज़ हुआ हमारा, कुछ सीखें हम। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने 10 वर्ड पढ़ा चुका हूं, 10 यहां तक पढ़ा चुका था, 10 आज पढ़ेंगे अपन 11 से। अगर वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी या आई बटन देख लेना, यहां जाके सबसे पहले 10 खत्म करो फिर इधर जाओ, ठीक है। चलो अब दोस्तों द हिंदू का बढ़िया सा वर्ड है दोस्तों, ये है असैसिनेशन। आज के पेपर में छपा, आज तारीख कितनी दोस्तों, आज है तारीख 15 जुलाई। तो 15 जुलाई में अपना अभी कल परसों 13-14 तारीख को क्या हुआ है, वो अपना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चल गई ना, इसलिए ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और असैसिनेशन इसी को बोलते हैं। तो गोली उसके ऊपर चली थी, वो असैसिनेशन था। अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, आराम से पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। किसी को लगता है स्लो जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा लो, प्रेम से आगे बढ़ो, है ना। चलो सबसे पहले असैसिनेशन की स्पेलिंग देखो फिर बताता हूँ। असैसिनेशन लिखते कैसे बड़ा खतरनाक दिख रहा है, इसकी मैंने बढ़िया ट्रिक बनाई थी शानदार वाली दोस्तों। ओ माय गॉड, किसका मैसेज आ गया, बाद में जान दो, पढ़ाई करेंगे। तो देखो मैंने ट्रिक बनाई थी, गधा गधा, एक गधा होता एस, एक गधा के ऊपर दूसरा गधा है, गधा के ऊपर गधा, गधा के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश, बोले तो पूरा नेशन, पूरा नेशन, TION लास्ट का है ना। अरे यार, तो एस के ऊपर एस, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर पूरा नेशन, तो असैसिनेशन। अरे यार, असैसिनेशन, ASSASINATION याद रहेगा दोस्तों, बहुत प्यारा वर्ड है ये, 110% आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग में पूछ लेगा वो कि असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है। एक बार फिर से, एस के ऊपर एस मतलब गधा के ऊपर गधा, गधा के गधा के ऊपर गधा मतलब ASSASS, एक बार आ गया गधा, उसके ऊपर एक और गधा। भाई साहब आज तो पागल ही हो रहे हैं लोग, ऐसे तो मैसेज नहीं आता है ना, ठीक है। उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर नेशन, ठीक है। चलो तो अब देखो इसका मतलब होता है मर्डर वाई अ सडन और सीक्रेट अटैक, ऑफन फॉर पॉलिटिकल रीज़न। दोस्तों जितनी असैसिनेशन टर्म यूज़ होती है पॉलिटिकल रीज़न के लिए, जब भी पॉलिटिकल मर्डर की बात होगी असैसिनेशन बोलते हैं उस वर्ड को, जिसमें एक सीक्रेट अटैक होता है। आपने वीडियो देखा होगा दोस्तों शॉर्ट में, डोनाल्ड ट्रंप स्पीच दे रहा था, किसी ने उसको ऐसे गोली मार दी तो कान में से टच होकर गोली चली गई, वो तो डोनाल्ड ट्रंप बच गया वरना खेल हो जाता उस दिन। तो किसी ने उसकी हत्या करने की कोशिश करी, किसी ने उसका असैसिनेशन करने की कोशिश करी। इस वर्ड को याद रखिएगा, अगर आप योद्धा बनना है तो ज़रूर लिखा करो दोस्तों, अगर सच में आगे बढ़ना है तो लिखा करो, है ना, या फिर वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। दूसरा, ये थोड़ा गंदा वर्ड था लेकिन मैंने कहा एक बार लिख लो, क्योंकि द हिंदू के वोकैब में दिखा मुझे, तो मैंने कहा बता देता हूँ, मुझे भी नहीं पता था। देखो स्वार्म्ड मतलब क्या होता है, गंदा वर्ड है ना, इसलिए इसका मतलब होता है टू फ्लाई और मूव इन लार्ज नंबर्स, झुंड बनाकर उड़ना या घूमना। जैसे दोस्तों अपने पक्षियों का झुंड होता है ना, झुंड में उड़ते हैं वो, उसको बोलेंगे स्वार्म्ड। अगर झुंड बनाकर पूरी की पूरी रैली निकल रही है, उसको भी मतलब घूम रहा है कहीं झुंड बना के, है ना। जैसे एक चुरकुट होता है, चुरकुट के पीछे से टीम होती, पूरी झुंड बनाकर निकलते हैं वो, तो उसको स्वार्म्ड बोल सकते हो आप। बस एक ध्यान रख लो, वाहियात वर्ड है, शायद ना आए लेकिन हल्का हल्का पता होना चाहिए, क्योंकि द हिंदू का वो कैब है, क्या पता एग्जामिनर हरामी है पूछ लेता है भाई, उसको तो छन्नी लगानी है तो वो कर लेता है ऐसा। ये बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों इंडोमिटेबल, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए। इंडोमिटेबल मतलब होता है दोस्तों, पहले तो लिख लो भाई, लिखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये कब तक देखोगे आप, है ना, बार बार 10 मिनट का वीडियो देखने से अच्छा आप एक बार ईमानदारी से लिख लोगे ना, तो फटाफट आप फटाफट ऐसे करके आंखें घुमा लोगे, पोंछा मार लोगे, फटाफट याद हो जाएगा आपको, वरना वीडियो देखना पड़ेगा फिर बार बार। इंडोमिटेबल मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट और फ्राइटन, वेरी ब्रेव एंड डिटरमाइंड, मतलब किसी को जिसको मतलब जिसको हराना या किसी को डराना नामुमकिन हो, मतलब उसको बोलते हैं इंडोमिटेबल। जो मतलब जैसे मैं गौरव तिलथिया हूँ, मैं बहुत ब्रेव और डिटरमाइंड हूँ, मुझको हराना या मुझको डराना बहुत नामुमकिन है, मतलब मैं हार नहीं मानने वाला कभी भी जिंदगी में, मैं हमेशा आगे बढ़ूंगा और इस दुनिया अपना नाम बना के ही मरूंगा, ऐसे नहीं मानने वाला मैं, ये तो पक्की बात है। तो इम्पॉसिबल टू डिफीट मतलब मुझे हराना नामुमकिन है, दुनिया की कितनी भी परेशानी आ जाए मेरे ऊपर, पूरा कुछ भी हो जाए गौरव विल नॉट गोइंग टू गिव अप, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, गौरव इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप, तो भैया गौरव गिव अप नहीं करने वाला, मतलब कभी भी हार नहीं मानने वाला, तो इसको बोलते हैं इंडोमिटेबल, मतलब जो कभी हार नहीं माने, मतलब एक वर्ड होता है इंडोमिटेबल स्पिरिट, स्पेलिंग लिखो मन में बोलो, INDOMITABLE इंडोमिटेबल स्पिरिट बोलते हैं ना, स्पिरिट मतलब इंडो, स्पिरिट मतलब आत्मा, तो ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो कभी हार नहीं माने, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो जाए
आगे बढ़ेंगे, मेहनत करते हुए चीज़ों को बेहतर करेंगे, तो उसको बोलते हैं इंडोमिटेबल स्पिरिट। और ये वर्ड दोस्तों इसलिए मेरा थोड़ा मुझसे करीब है क्योंकि मैंने एक सोचा था कि जब मैं बहुत आगे आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा एक बुक लिखूंगा, तो बुक का एक टाइटल तो यही होने वाला है दोस्तों, इंडोमिटेबल स्पिरिट नाम की एक बुक लिखूंगा मैं, है ना। जो मैंने अभी मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने लिख भी लिया नोट्स में कि मैं लिखने वाला हूँ आने वाले समय में, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि ज़िंदगी में सबसे आगे बढ़ना, करोड़ों अरबों में खेलना है, तो आपको इंडोमिटेबल स्पिरिट वाला एटीट्यूड चाहिए, कभी हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड, जब जाकर दुनिया में नाम बनता है। तो ये वर्ड बहुत प्यारा, ध्यान रखिएगा। अब जब भी आप याद रखो तो अपने आप से लिंक करना कि भाई साहब, मतलब जैसे आप हो, आपका नाम, जैसे मेरे मतलब एक स्टूडेंट टीडी, तो टीडी मुझे लगता है कि उसके अंदर भी इंडोमिटेबल स्पिरिट है, खतरनाक इंसान वो भी, मतलब हमेशा जो मैं बोलता हूँ उसको फॉलो करता, बिल्कुल एक योद्धा की तरह, अर्जुन की तरह, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने जो कुछ बोल दिया अर्जुन पक्का फॉलो करता था, तो उसके अंदर भी इंडोमिटेबल स्पिरिट है, तो आपके अंदर भी ऐसी होने चाहिए। चलो आगे बढ़ें। एक दोस्तों एक बहुत प्यारा वर्ड है 14 नंबर का, रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसका मतलब तो होता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेवार, ठीक है, जिम्मेदार बोलते हैं। लेकिन ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे फ्रेजल वर्ब क्या होता है, एक ऐसी वर्ब होती है जो इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होने वाली, जब तक आप मैं जिंदा है, जब तक ये दुनिया चल रही है, जब तक CGL CHSL के एग्जाम हो रहे हैं, जब तक ये पूरी दुनिया रहेगी, जब तक रिस्पॉन्सिबल फॉर ही लगता है, कभी भी रिस्पॉन्सिबल इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल विथ, रिस्पॉन्सिबल टू ऐसा नहीं दिखेगा आपको, 99% टाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिखेगा, है ना। जैसे मैं बोलूँगा भाई अगर तू ऐसा ये काम कर रहा है, अगर अगर पकड़ा गया, अब अपन मतलब जैसे चोरी करने जा रहे हैं और अगर अपन पकड़ा गए, तो आपका दोस्त बोल रहा है टेंशन मत ले, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो अपन लोग उसके लिए उत्तरदायी होंगे, उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हमेशा याद रखिएगा, ये फ्रेजल वर्ब होती है। जब पैसे सॉल्व करते हो आप या क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो ना, तो सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें रिस्पॉन्सिबल, और बाद में क्या कर देगा एग्जामिनर, ऐसा डैश 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 करके लिख देगा, जिसको पता होगा फट से फॉर लगा देगा, कुछ नहीं सोचेगा, बाकी लोग फिर मुंडी खो जाते जाएंगे, विथ लगाएं कि टू लगाएं कि इन लगाएं, क्या लिखें, कचरा होता जाए उनका, कचरा हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और दोस्तों प्यारा वर्ड, ये भी द हिंदू के पेपर में लिखा था, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं क्योंकि मेरा अल्टीमेट पर्पस ही आपकी हेल्प करना है। चलो, रेपलेट विथ भी है, जब तक जीवन चलेगा आपका मेरा, जब तक दुनिया में इंग्लिश चलेगी, जब तक रेपलेट के साथ हमेशा विथ आता है और कुछ नहीं आता, इस बात को बिल्कुल तोते की तरह लिख लो, रट लो, दूध रोटी चित्रकूटी ऐसे रटते हैं ऐसे रट लो, या फिर अगर योद्धा बनना है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो बंदा लिखेगा वो चैंपियन बनेगा, जो नहीं लिखेगा वो काफ़ी टाइम बाद चैंपियन बनेगा, जो लिखेगा वो जल्दी बनेगा। तो रेपलेट के साथ विथ आता, अगर एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाना चाहे, वो कल के दिन रेपलेट के साथ आपको टू लिख के दे देगा, या आपको मान लो उसने एक एरर दे दिया, कहीं कुछ कुछ लिख के दे दिया और उसने रेपलेट टू लिख दिया, आपको लग रहा है भाई पूरा सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन रेपलेट टू कभी नहीं होता दोस्तों, रेपलेट विथ होता है। तो आप कर दोगे कि सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, ऐसे पता करते हैं। दूसरा, जब आप क्लोज्ड सॉल्व करते हो 110%, यहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो रेपलेट के साथ बाद में REPLET लिखने के बाद डैश 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 कर देगा, तो रेपलेट विथ आंख बंद करके मार दो, कुछ मत सोचो क्योंकि रेपलेट के साथ जिंदगी भर विथ ही लगने वाला है, इसलिए मैंने बता दिया कि ये रटने वाली चीजें, ये हमेशा आपको रात को 3 बजे भी कोई पूछे पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रेपलेट विथ, कभी चेंज नहीं होने वाला, कभी चेंज नहीं होने वाला। चलो, एक और चीज मुझे याद आ गई है, बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्या लगती है, हमेशा टू के साथ वर्ब की, ऐसा लिखता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा टू, जब भी टू देखे, जैसे बोलेंगे टू, कैसे बोलेंगे टू, जैसे टू सफ़र एक वर्ड है, टू सफ़र, देखो मैंने, देखो नीचे भी वही लिखा हुआ है, देखो मेरे दिमाग में वही आया क्योंकि मुझे पढ़ाना था, इसलिए मैंने कंसिडर भी किया, मैं बता देता हूँ आगे फिर बताएंगे। टू सफ़र आया, ये टू सफ़र क्यों, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ सफ़र्ड क्यों नहीं आया दोस्तों, इसलिए नहीं आया क्योंकि ये पास्ट में चला जाता, और यहाँ टू के साथ हमेशा V1 फॉर्म लगती है, ये भी तोते की तरह याद कर लो, और योद्धा बनना है तो कॉपी में ज़रूर लिख लो दोस्तों, रंग बिरंगे कलर पेन होने चाहिए और एक बढ़िया पेज, उसमें ऐसा लिखा करो, बार बार देखा करो, जब योद्धा बनोगे 15 मिनट की मेहनत आने वाले 15 साल सुधार सकती है, इसलिए ज़रूर लिखा करो, इतनी बात याद रहेगी। आगे बढ़ो। एम्बेलिश मतलब एक बहुत प्यारा वर्ड होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों सजाना, कोई अच्छी चीज़ है उसको और बेहतर बनाना। एम्बेलिश का मतलब आप देखो हिंदी में, आपकी मम्मी ने शानदार वाली पनीर की सब्जी बनाई, शानदार मटर पनीर बनाया है, तो आपकी मम्मी मटर पनीर बनाने के बाद सिर्फ पनीर नहीं बनाती, उसके बाद में धनिया बनिया डाल के थोड़ी गार्निशिंग करती है ना, तो उसको वो डेकोरेट करती हैं आपकी मम्मी, उसको एम्बेलिश करती हैं, तो ऐसे दोस्तों लिंक किया जाता है। बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह, बिल्कुल मूर्ख विद्यार्थियों की तरह रटना नहीं है, फील करना है, विजुलाइज करना है कि अच्छा मम्मी अच्छा धनिया डाल के एम्बेलिश करती हैं, अच्छा लड़कियां लोग मस्त मस्त लहंगा चुनरी कुछ कुछ पहन के आंखों में वो काजल माजल लगा के जब मार्केट में निकलती हैं तो वो अपने आप को एम्बेलिश करती हैं, डेकोरेट करती हैं, तैयार करती हैं, थोड़ा निखारती हैं, ऐसे याद करते हैं।
अब जब कभी सामने आपको कोई लड़की बड़ी आंखों में काजल माजल और दुनिया भर के उमका झुमका पहने, तो आप समझ जाना भैया लड़की अपने आप को और एम्बेलिश कर रही है। पहले से तो बढ़िया कैटरीना कैफ की तरह खूबसूरत थी, और ज़्यादा डेकोरेशन कर रही है अपने चेहरे पर, कुछ कुछ कर रही है, तो वो अपने आप को एम्बेलिश कर रही है, मतलब अपने आप को और सजा रही है ताकि मार्केट में भैया वही वो चले, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं प्रेस करते हो, पैंट जूता चप्पल पहनते हो, थोड़ी बॉडी बनाते हो, काहे के लिए बनाते हो, इसलिए नहीं कि आपको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए कि जो लड़की एम्बेलिश कर रही है वो भी आपको अटेंशन दे दे, ये असलियत यही है ना। और कोई बुरी बात नहीं है, अगर मेरा तो यही बिलीव दोस्तों, जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मुझे, मैं अपने लिए करता हूँ, थोड़ा मैं थोड़ी कहानी बता दूँ जरा सी, मैं वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो अपने लिए करता हूँ कि भैया मैं फिट दिखूँगा, अच्छा कॉन्फिडेंट करूँगा, लेकिन मेरा एक रीज़न सच बता रहा हूँ बिल्कुल रियली ये भी होता है, मतलब मैं यही बोल करता हूँ, देख गौरव अगर तुझे अच्छा दिखना है, अगर तुझे अटेंशन चाहिए लोगों का, शानदार हीरो टाइप दिखना है तुझको, शानदार है ना, शानदार हीरो टाइप दिखना है तुझे, मस्त मस्त, तो और लोग तू चाहता है कि लोग बढ़िया बढ़िया खूबसूरत लोग तुझे अटेंशन दे, तुझे शानदार बॉडी बनानी पड़ेगी। अब भले मेरा मन हो या ना हो, मैं इस गोल को भी लिख के बॉडी बनाता हूँ कि मैं जब रोड पर मार्केट में निकलूँगा ना, तो पलट पलट कर कोई ना कोई तो देखने वाला, भाई साहब कौन मार्केट में निकल गया पीछे से। तो भाई ये भी अच्छी चीज़ है, अगर आप इस चीज़ से भी मोटिवेट हो रहे हो तो ये भी सही है ना। हर वक्त खुद का मोटिवेशन काम नहीं करता, दूसरों को देख के भी मोटिवेशन आता है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी मोटिवेशन आता है, तो सारे फैक्टर काम करते हैं। हर चीज़ बोलते हैं ना कम्पीट विथ यूर सेल्फ, ऐसा नहीं है। अब मैं बाद में बताऊंगा, अभी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, चलो उसका बहुत गहरी बात है, चलो छोड़ो। ये हो गया दोस्तों रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमें याद रखना रेपलीट विथ, याद रखना एम्बेलिस सजाना होता खूबसूरत लड़की, ऑब्सेशन फॉर। अब देखो दोस्तों ये भी एक इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है जो कभी सेपरेट नहीं होने वाली, हमेशा ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब होता जुनून, तो ऑब्सेशन के साथ दोस्तों हमेशा फॉर लगता है, ये भी आपको तोते की तरह याद करना पड़ेगा। मैं बहुत मेहनत करके, मैंने द हिंदू से वर्ड ऐसे करके एक एक पढ़े हैं, फिर अपने पेज में लिखे हैं, कलरफुल पेंसिल लिखे हैं, फिर फोटो खींच के अच्छे से स्कैन किया है, फिर आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आपको सीधा सीधा मिल रहा है, तो ईमानदारी से पढ़ लेना, खजाना है दोस्तों ये, बता रहा हूं मैं आपको। चलो, ऑब्सेशन के साथ हमेशा फॉर लगता है, याद रखना, भूल मत जाना वरना मूर्खता हो जाएगी भाई। फटीग बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, फटीग ये भी लिखा हुआ था, फटीग मतलब होता है वीक होना, वर्न आउट होना, स्लो होना, कमज़ोर पड़ जाना, थोड़ा सा थक जाना, उसको बोलते हैं फटीग। अब ये दोस्तों फटीग पता मुझे कहाँ से याद रहा, मैंने मिल्खा सिंह की मूवी देखी थी भाग मिल्खा भाग, तो भाग मिल्खा भाग में अपना जो फरहान अख्तर होता था वो एक बंदा आता था, खूब अच्छा एथलीट था, दौड़ लगाता था, उससे बोलता था सर मेरी फटीग भी माफ़ है। देख रहा कहाँ से मैंने कहाँ लिंक करा, इंसान आगे बढ़ने के लिए क्या नहीं करना पड़ता, तो उसने बोला सर मेरी फटीग माफ़ है, तो वो खुश होने लगे, अच्छा फटीग माफ़ है, मतलब उसको ये वर्नआउट, ये घास कटवाना, ये करवाना, दौड़ लगवाना, कुछ कुछ करवाते थे उसके सीनियर सर, तो वो चीज़ उसकी माफ़ हो गई थी। इसका मतलब यह है कि जब वो फटीग, मतलब जब वो ऐसा वर्न आउट हो जाता था, स्लो हो जाता था, काम करने की वजह थक जाता था, तो बोलता था कि मेरी फटीग माफ़ है क्योंकि मैंने कुछ अच्छा काम किया था, तो उस तक वहाँ से मैं लिंक किया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखो एक और प्यारा वर्ड दोस्तों, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, और डिजास्टर बोल रहा हूँ क्योंकि एक पूरा सेंटेंस होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ हमेशा दोस्तों ऑन द ब्रिंक लगता है, ये द हिंदू का कंटेंट है, इसको अंडरस्टैंड मत करना। ऑन द ब्रिंक आएगा, एग्जामिनर आपको कैसे डेसिया बनाएगा, डैस मतलब डेसिया समझ गया कैसे बनाते हैं, उसके अंदर पहले बैलेंस भर लो, ऐसे आपको बेवकूफ़ बनाएगा, क्योंकि हमेशा वो लिख देगा इन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, और आप इन द ब्रिंक ऑफ समथिंग समथिंग सेंटेंस लिख दे, आप सोचोगे भाई सेंटेंस बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर आप योद्धा हो, आपने ईमानदारी से पढ़ा गौरव भाई से, गौरव सर से, गौरव दोस्त से, तो आपको सब पता होगा ऑन द ब्रिंक होता दोस्तों, इन द ब्रिंक में, इन द ब्रिंक कभी नहीं होता, पूरी दुनिया में जब तक आप जिंदा रहने वाले हो इन मिन कुछ नहीं आएगा, ऑन द ब्रिंक चलेगा, ऑन द ब्रिंक, तो आपको याद करना इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो मैंने ये वाली बात बताई, हमेशा जब भी टू दिख जाए, लेकिन एक और चीज़ है, इसका एक केस है, कंडीशन ये है, टू के साथ हमेशा वी वर्ब फॉर्म आती है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस होता तब, वरना टू बी समथिंग समथिंग हो जाता वो, है ना, पैसे वॉइस में टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, लेकिन एक्टिव वॉइस में आपको कहीं भी दिखे, मतलब सीधा सीधा सेंटेंस दिखे, तो टू के साथ हमेशा वी वन लगती है, है ना। जैसे टू कर्व, कर्व मतलब होता है दोस्तों अंकुश लगाना, सी यू आर बी, कर्व मतलब ये वर्ड आता है वोकैबुलरी में, कर्व मतलब होता है अंकुश लगाना, टू कर्व, टू सफ़र, टू गो, इस तरीके से जब भी टू दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंख बंद कर मार देना, एग्जामिनर ऐसा एरर बनाता है हर बार। अब आगे बढ़ते हैं भाई, एक बहुत प्यारा वर्ड कंसेंसस दोस्तों होता है एग्रीमेंट करना। अब कंसेंसस कैसा होता है, जैसे आपकी एक पार्टी है या आप हो, आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया एक काम करते हैं, अपन कल से जिम चलते हैं, तो आपका दोस्त बोले हाँ भाई कल से जिम चलते हैं, तो आपके दोस्त ने भी एग्रीमेंट दे दिया, आपके दोस्त ने कंसेंसस दे दिया, हाँ भैया चलो, ये दोस्त मुझ तो फर्जी बात है, इधर जाओ। आप हो, आपने एक लड़की से बढ़िया प्रपोज़ मार दिया भाई कि तुम मुझे बहुत बढ़िया लगती हो, ऐसा वैसा, और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील करता हूँ, दुनिया भर की बातें यहाँ वहाँ की उसको इम्प्रेस करने के लिए, तो उसने भी
तो तुमने बोला कि ऐसा ऐसा है, अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो एक काम कल उधर जाना, मॉल में जाना, अपन कल कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो आप वो लड़की जो प्यारी सी खूबसूरत लड़की थी वो एग्री कर गई। उसने कहा ठीक है, अच्छा मैं आ जाती हूँ, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ कि नहीं, वो फ्रेंड जोन में रखने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने एग्री तो किया है, तो वो कहीं ना कहीं उसने कंसेंसस दे दिया आपको कि हाँ भैया कल भैया मॉल में आ रही है वो चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। तो उस लड़की ने कंसेंसस दे दिया, मतलब एग्रीमेंट दे दिया। अब समझ में आया, वो दोस्त की जिम वाली बात भूल जाना भूल जाना, लेकिन लड़की वाली तो वैसे भी याद रखोगे आप, इसलिए मैं एग्जांपल वैसे दे रहा हूँ याद रखने के लिए। अब देखो, कोलिशन एक बहुत प्यारा वर्ड होता है दोस्तों ये भी, लेकिन मैक्सिमम टाइम पॉलिटिक्स के टर्म में यूज़ होता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। जैसे यही है, सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार अपनी है ना, और अपनी कांग्रेस की सरकार है, तो दोनों मिलके कुछ एक कॉमन गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कोलिशन। एक और बताते हैं, अभी जैसे बीजेपी की सरकार पूरी पूरी नहीं बन रही थी, तो बीजेपी ने क्या किया था, गठबंधन की सरकार कर ली, इस सरकार इस पार्टी से भी मिल लिए, इससे भी मिल लिए, और सब लोगों ने मिलकर इनकी ओवरऑल बीजेपी की सरकार मिल गई, तो सब ने कोलिशन किया, सब ने मतलब साथ में काम किया ताकि कॉमन गोल अचीव हो सके, ताकि बीजेपी की सरकार बन सके। तो सब लोग मिलकर जो काम करते हैं ना, उसको कोलिशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्यारा वर्ड है, स्पेलिंग सारी ध्यान होने चाहिए, बिल्कुल मूर्ख मत बनना, पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। एम्बेलिश जैसे फट से देखा, मैं क्या करता हूँ, मैंने ऐसे अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है, मैंने देखा इसमें से फटाफट एम्बेलिश, मैं खुद मन बोलता EMBELLISH, ओके डबल एल, ओके डबल एल लगेगा, खत्म कहानी, आगे बढ़ो। जैसे मुझे लगा कि यार कंसेंसस CONSENSUS, पता लगे आखिरी में एग्जाम इन्होंने क्या किया, ऐसा लिख के देता, बहुत गंदा बनाता है वो, बहुत गंदा काटता है, CONSENSUS। भाई साहब, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, और जब टाइम कम होता है और चार चार ऑप्शन देखते हैं, तो अच्छे अच्छों की फट जाती है। सच्चाई तो ये है, कंसेंसस आपको क्या बात है भाई, सेंसस तो हमने पढ़ा ही है, सेंसस अपनी जो जनगणना होती है सही हो सकता है, ऐसे करके वो आपको बहुत 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 गंदा बेवकूफ़ बनाता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, कंसेंसस स्पेलिंग ध्यान रखा करो, ठीक है। अबंडेंटली में देखो, DANTL, अबंडेंटली, कल के दिन उसने अबंडेंट लिख दिया, ABUND DENTLY, तो आप क्या पढ़ोगे, पढ़ कर देखोगे अबंडेंटली DENT, हाँ भाई बिल्कुल सही लग रहा है, बन गए चूतिया। यही नहीं करना है, सच बता रहा हूँ, मैं थोड़ा रूड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलती ऐसे होती है, मेरे साथ हुई है, अब मत करना, ठीक है। तो अबंडेंटली ऐसे याद रखना, DANT ऐसे याद रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे क्या है दोस्तों, जो 22 हो गए, अब मैं और एक और चीज़ पढ़ाता हूँ। देखो ये पूरे 30 वर्ड है, इंपॉर्टेंट, मैंने बड़ी मेहनत से लिखा है, आपकी हेल्प करना, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन करोड़ों की क्वालिटी है, करोड़ों का कॉन्टेंट है, ध्यान से देखना। फार्स मतलब होता है दोस्तों एक तमाशा, इंपॉर्टेंट चीज़ का, कैसे बोलूँ, जैसे आपने आपने आपके घर में किसी का बर्थडे है, तो आपने क्या किया है, आपने घर वालों को बोल दिया था कि मैं अभी लौट के आ रहा हूँ, एक काम करना, घर को बढ़िया सजा के रखना अच्छे से, क्योंकि आज अपन बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन घर वालों ने बिल्कुल नहीं सजाया, गंदा और कर दिया, पूरा गंदा तेतर बेतर घर फैला दिया, तो आप बोलोगे व्हाट अ फार्स, क्या बोलो, क्या तमाशा लगा दिया यार, इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसको बिल्कुल और अच्छे से बेटर करना था, लेकिन तुमने तो और कचरा कर दिया उसका। तब आप ये वर्ड बोलोगे अपनी मम्मी से, बहन से, भाई से, जिसने भी गंदा किया, आप बोलोगे व्हाट अ फार्स। ऐसा लिंक किया करो कि ऐसी कोई कंडीशन फंस गई जहां मतलब चीजों को बेहतर होना था। मान लो नरेंद्र मोदी कहीं आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे थे उनका इनविटेशन के लिए, बढ़िया टेंटमेंट लगेगा, पूरा स्टेज सजेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी उधर पहुंचे, पता चला कि न फूल का पता है, न स्टेज का, न टेंट का, न माइक का, सब तितर बितर पड़ा है, और गंदी चीजें उधर पड़ी है, पूरी सब्जी और पड़ी है, कहीं कहीं प्लेट पड़ी है स्टेज पर, तो मतलब नरेंद्र मोदी मन में सोचेंगे व्हाट अ फार्स, ऐसा सोचेंगे, मतलब क्या तमाशा बना दिया है, उस चीज को बकवास कर दिया। इसलिए फार्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी का है, द हिंदू का, इसलिए पढ़ लो, है ना। अब देखो, जब तक मार्केट में, दुनिया में तुम जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, जब तक दुनिया चलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लगता है, ना कि इन लगता है, कभी भी इन नहीं दिखेगा, कभी भी एट नहीं दिखेगा, कभी भी विथ नहीं दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इसका मतलब होता है बिना किसी बात पर विचार किए। तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाती है, है ना। ये 500 रुपये का इंग्लिश क्यों नहीं मिल रहा, वरना साढ़े साढ़े पेपर 120 या 150 रुपये का मिल रहा है इंग्लिश वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंद वो, और टाइम्स ऑफ इंडिया और कौन सा, इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन द हिंदू 500 का क्यों, करोड़ों की चीज़ आती है उसमें, इंपॉर्टेंट, आप इसको अंडरस्टैंड मत करना भाई, सच बता रहा हूँ मैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे आप बिल्कुल रेपलेटिविथ था, इस तरीके से इररिस्पेक्टिव ऑफ, योद्धा होंगे जरूर लिख के मुझे बताना कि हाँ गौरव सर हमने लिख लिया, आपने बोला इतनी बार बोल रहे हो तो लिख ही लिया, कोई बात तो होगी, तभी तो इतनी बार बोल रहा हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ लगता है, इसका मतलब होता है बिना किसी बात पर विचार किए। जैसे एक लड़की है, चल लड़की का एग्जांपल इसलिए, ताकि साला लड़की की बात आती ना, आदमी अपने आप ही कान खुल जाते हैं, अलग ही सुनने लगता है। आप हो बढ़िया, चलो मैं हूँ, मैं लड़की, मैं शानदार हूँ, और एक मेरी फ्रेंड है,
तो भैया मैं सोच रहा था कि मैं इसको पसंद कर रहा हूँ, ये भी मुझे पसंद करेगी, लेकिन क्या हुआ, उल्टा इसने आकर मुझे भयंकर खतरनाक डांट दिया। गौरव तुम समझते क्या हो अपने आप को? पहली बात तो ऐसे दुनिया कोई लड़की पैदा नहीं हुई जो ऐसा बोल दे, क्योंकि गौरव तो पर्सनैलिटी अलग है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, अपना लेवल बनाया इसलिए ऐसा बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। हाँ चलो, गौरव नहीं, ये कोई चिंटू है, तो चिंटू गौरव की बात ही अलग है। चलो तो चिंटू चिंटू को अगर लड़की ने चमका दिया, तो भैया तो लड़की ने बिल्कुल नहीं सोचा कि चिंटू को तुम ये सब बोल रहे हो, तो चिंटू के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का। चिंटू दुखी हो सकता है, चिंटू बेचारा आत्महत्या कर सकता है, चिंटू का दिमाग खराब हो सकता है, चिंटू अपने दीवार में सर मार सकता है कि भैया क्या गलती हो गई मुझसे। तो यही वाली बात है कि वो लड़की आई और उसने इरिस्पेक्टिव ऑफ, बिना किसी बात पर विचार किए चिंटू को डांट दिया भाई, है ना, बिना किसी बात पर विचार किए कि बाद में चिंटू टेंशन में आ सकता है, चिंटू कोमा में जा सकता है, चिंटू डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए इस वर्ड को इरिस्पेक्टिव ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ, इसमें लिखा है कि मतलब एग्जांपल बताता हूँ कि एक कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन, तो कंपटीशन का कंडीशन ये है कि भैया हर बंदे मतलब हर बंदे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, मतलब कोई 5 साल का हो या 15 का हो या 25 का हो या 35 का हो या 45 का हो, एज मेज का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ, कोई 10 से 20 साल की कंपटीशन नहीं चल रही यहाँ, मतलब 1 साल से लेकर जब 60-70 साल तक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज मतलब कोई भी इसमें कोई कंडीशन नहीं है, है ना, तो बिना बात पर विचार किएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ, तो इस चीज़ को आप समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सेंटेंस में, यह है कि मतलब इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऐसे यूज़ किया मैंने, और आप इसको 2-3 जगह सर्च मार कर इसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, देखना आपको याद रहेगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कैसे यूज़ होता है। ठीक है, मैंने तो मुझे तो याद है तो इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको, तो वही वाली बात है कि मतलब किसी ने किसी को डांट दिया बिना किसी बात पर ध्यान दिए हो कि उसको हर्ट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देखो, सबसे पहले इररिस्पेक्टिव में क्या होता है, आई आर इर कर दो और रिस्पेक्टिव लिख दो, आर ई एस पी सी टी आई वी। ओके, आगे देखो, ये दोस्तों द हिंदू का एक वर्ड है, इसको बोलते हैं ईडियम। अब ये दिखा था मैंने, कहा आपको बता दूंगा क्योंकि प्यारा वर्ड है। एट अ लॉस मतलब होता है दोस्तों कन्फ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना। दोस्तों देखता हूँ टाइम कितना हुआ, और भाई साहब 21 मिनट हो, जल्दी जल्दी करते हैं। एट अ लॉस मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, पजल्ड, परप्लेक्स्ड। अब कैसे बता दूं मैं आपको कि मान लो मेरे सामने एक मैथ्स का क्वेश्चन आया, गंदा सा खतरनाक वाला, अलजेब्रा का या कहीं का भी, तो मैं एट अ लॉस में चला गया। आई वॉज एट अ लॉस व्हेन आई सॉ दैट क्वेश्चन, है ना, मतलब जब मैं एकदम से वो क्वेश्चन खतरनाक वाला देखा तो मैं कन्फ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया, परप्लेक्स हो गया कि भैया किसको सॉल्व करूँ, कैसे कौन सा फॉर्मूला लगा दूँ, करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या कैसे बोल लो आपको कि एट अ लॉस, और भी कैसे बोलते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, जैसे किसी ने कुछ आपसे, हाँ जैसे किसी ने बोला कि एकदम से कोई लड़की आई आपसे बोला कि मुझसे शादी करोगे, तो आप उस टाइम पे यू मतलब जैसे मुझसे लड़की ने किसी लड़की ने आकर बोला गौरव मुझसे शादी करोगे, तो मैं बोलूँगा भाई आई वॉज एट अ लॉस, मतलब मैं कन्फ्यूज था, पजल था, परप्लेक्स हो गया, अचंभित था कि मैं क्या बोलूँ उस चीज़ को, उस लड़की को क्या आंसर दूँ जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। तो एट अ लॉस मतलब कन्फ्यूज होना होता है ना, मैं इसलिए इतना खींच रहा हूँ दोस्तों बिकॉज मुझे हेल्प करनी है आपकी, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पज़ नहीं है कि वीडियो बना कचरा कर दिया, नहीं, पूरी वैल्यू देंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और कुछ सिखाएंगे। रोबस्ट दोस्तों एक प्यारा वर्ड है, ये मैंने इसलिए लिया है, अगर आपने रोबस्ट वर्ड आपको पता होगा अगर आपने पुराना पार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर जाकर देखो, क्योंकि इंप्रूव करने वाली बात है, ग्रोथ वाली बात है। रोबस्ट वो होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जैसे मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फील करता हूँ, और इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैं कीमत चुकाता हूँ, मैं रोज़ योगा करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, एप्स मारता हूँ, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हूँ, इसलिए गौरव तिलतिया इज़ अ रोबस्ट पर्सन, है ना, खतरनाक। अब देखो रोबस्ट ऐसे कर सकते हो, जैसे अपना जॉन सीना, देखा ही वो नाम सुना होगा, अभी ये उसकी अंबानी की शादी में आया था, कौन, अनंत और राधिका में जॉन सीना, है ना, तो जॉन सीना की बॉडी कितनी खतरनाक है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, बिल्कुल रोबस्ट, तो आप बोल सकते हो कि जॉन सीना रोबस्ट पर्सनैलिटी है। ठीक है, और ऐसे आपके घर में आपने कोई चेयर लेके आया, ऐसे भी इंसान नहीं, नॉन लिविंग के लिए भी है, खतरनाक वाली चेयर लेके आया जो बहुत स्ट्रॉन्ग और मतलब हेल्दी नहीं, स्ट्रॉन्ग भी इस सेंस में भी रोबस्ट यूज़ होता है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कुर्सी है, बहुत मजबूत है, तो आप उसको बोलो दिस चेयर इज़ वेरी रोबस्ट, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। तो हर मतलब बिल्कुल सेंटेंस इसलिए बोलते हैं, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, सेंटेंस समझ के आपको उसका सेंस समझ में आता है कि ये जॉन सीना के लिए बोल रहा है या चेयर के लिए रोबस्ट यूज कर रहा है, तो इसलिए मूर्ख नहीं बनना है, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के और इसका वर्ड निकालना है कि ये कौन सी जगह कैसा सेट होता है, ये भी एक इंग्लिश का तरीका होता है, सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता है। अब देखो, मैंने बोला ना जब तक सूरज चांद रहेगा कुछ चीज़ें फिक्स हैं भाई, इनको रटना जरूरी है, दूध रोटी चित्रकोटी तोता कॉन्सेप्ट। इंटाइटल्ड के साथ हमेशा टू लगता है, तो डिजर्व फॉर समथिंग, जैसे कोई चीज़, कोई बंदा किसी चीज़ के लिए डिजर्व करता है तो उसको बोलते हैं इंटाइटल्ड टू। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे मेरी बहुत अच्छी बॉडी है ना, और थोड़ी बहुत मेरी ठीक है, तो अब जैसे मेरी बहुत अच्छी बॉडी है तो
तो भैया हैं, और एक, एक और तीन चार लोग हैं जिनकी नॉर्मल बॉडी है, तो कल के दिन किसी को बॉडी वाला अवार्ड देना है कि मतलब गुड लुकिंग बेस्ट, हाँ गुड लुकिंग बॉडी का अवार्ड किसको देना है, गुड लुकिंग पर्सन किसको अवार्ड देना है, तो फिर लोग मुझसे बोलेंगे गौरव यू आर एंटाइटल्ड टू दिस, आप इसके लिए डिजर्व करते हैं क्योंकि ये अवार्ड, आपकी बॉडी अच्छी है, आप अच्छे दिखते हो, तो आप इसके लिए एंटाइटल्ड हो, आपके लिए मिलना चाहिए वाला अवार्ड, ना कि इन चिंटू पिंटू को, है ना। तो समझ में, एंटाइटल्ड टू का मतलब होता है जो बंदा उसके योग्य है उसी को उसके एंटाइटल्ड टू रखते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को लोग गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ, तो सचिन तेंदुलकर इज एंटाइटल्ड टू गॉड, इस तरीके के कि मतलब उनको वो वाली उपाधि मिलनी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, ठीक है, ऐसे याद करते हैं, इसको समझते हैं। एक्रीमोनियस बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है थोड़ा कटुता टाइप का, देखो फुल ऑफ एंगर आर्ग्यूमेंट्स बैड फीलिंग्स, तो कैसे बोलते हैं, जैसे मियाँ बीबी की लड़ाई हो गई, पहले शादी हो गई, शुरू के 5 साल तो खूब बिल्कुल चांदी चांदी, खूब मज़ा आ रहा है, बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी दुनिया सुहानी लग रही है, लड़की के अंदर पूरी कैटरीना कैफ सब कुछ उस सीन दिख रही है, आँखों के अंदर डूब रहे हैं ना, और उनकी आँख समुंदर की तरह, ऐसी बहुत सारी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, और बाद में वही वही लड़की और वही बीबी वही पति को देख के मुंडा टटक जाता है, अरे यार क्या ही है यार सेम सेम, तो बाद में जो एनिमोसिटी आती है ना, तो एक दूसरे का मियाँ बीबी का एक्रीमोनियस नेचर हो जाता है, फुल ऑफ एंगर, गुस्सा कर रहे हैं, पहले बीबी जा रही है, बीबी का पैर मोच खा गया, अरे बीबी क्या हुआ, अरे बीबी क्या हुआ, पैर में मोच तो नहीं खाया, वही 15 साल बाद वही बीबी का पैर मोच खाया, के लिए अंधी है कि चलती नहीं है, देख के चलते नहीं बनता, समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सेम चीज़ जब वो नई नई थी, बढ़िया सब कुछ नया लग रहा था, तो भैया उसकी केयर कर रहे थे, सेम चीज़ 15 साल बाद हो रही, तो आप बोल रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, अंधी है कि ध्यान से चला करे, तो फुल ऑफ एंगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बैड फीलिंग है एक दूसरे के प्रति, तो उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस। अब कोई भी आपसे, सामने वाला बंदा आपसे नाराज रहेगा, तो आप बोलोगे भाई आपका मेरे लिए ऐसा एक्रीमोनियस नेचर क्यों है, ऐसा पूछ सकते हो, एक्रीमोनियस उसको बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हेट्रेड टाइप का, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अलायंस विथ मार्केट में चलेगा, ये इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, हमेशा जिंदगी भर जब तक इंग्लिश रहेगी दुनिया में, जब तक ये फिक्स है, अलायंस के साथ कभी भी टू मुंह नहीं लगता, अलायंस के साथ कभी दैट नहीं लगता, अलायंस के साथ कभी इन नहीं लगता, तो अलायंस के साथ भाई साहब क्या लगता है, अलायंस के साथ विथ लगता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी मैंने, 4-5 आपको, इनको लिख लो दोस्तों, तभी ग्रोथ होगी। इसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट टू वर्क विथ समवन, अलायंस विथ, जैसे मैं बोलूँगी अलायंस विथ, बोले कि मतलब अपने बाहुबली के डायरेक्टर जो था, बाहुबली का डायरेक्टर कौन था, राजा मौली, तो राजा मौली ने अपने रोहित शेट्टी अपने डायरेक्टर उसके साथ अलायंस विथ करके पिक्चर बना रहे हैं, तो एग्रीमेंट किया कि मतलब साथ में काम करेंगे, इसको अलायंस करते हैं। वैसे ये टर्म मैक्सिमम टाइम ये पॉलिटिकल रीजन के लिए यूज़ होता है, या कोई बड़ी सरकार इसके लिए कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अलायंस किया इसके साथ, या अपनी रशिया की एयरफोर्स ने इंडिया की एयरफोर्स के साथ अलायंस विथ किया है, ऐसे यूज़ होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्लाउंडर एक बहुत प्यारा वर्ड होता है, मुझे लगा आपके साथ बताना चाहिए, इसका मतलब होता है झटपटाना, नर्वस हो जाना, जूझना, परेशान हो जाना। अब देखो, टू फाइंड डिफिकल्ट टू स्पीक और एक्ट यूजली इन अ डिफिकल्ट और एम्बेरसिंग सिचुएशन। अब देखो भाई, फ्लाउंडर मतलब होता है कि आप एक पार्टी में गए, भैया अपन है भारत के लोग, भारत के नागरिक, अपन को बहुत ज़्यादा अंग्रेजी मंग्रेजी आती नहीं, नॉर्मल इंसान अपन बेचारे, अब अपन चलेगा खतरनाक अंग्रेजों के बीच में, एकदम से उनकी पार्टी में सबरे अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये व्हाट आर डूइंग, हाउस यू गो डे गोइंग, और दुनिया भर है ना, बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं वो इंग्लिश में, आपका दिमाग ख़राब हो गया, अब आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है कि कैसे बोलें, भैया सारे तो अंग्रेजी में बोल रहे, कच्चू समझ में आ नहीं रहा, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट और एम्बेरसिंग सिचुएशन है, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें, कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे लोगों को अपनी बात समझाएं, समझ में आ रहा है, तो आप बड़े टेंशन में चल रहे हो, तो इसको बोलते हैं टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक और एक्ट यूजुअली इन डिफिकल्ट और एम्बेरसिंग सिचुएशन। समझ में आया, तो ऐसी गंदी सिचुएशन में आप फंस गए कहीं, जहाँ आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही कुछ भी चीज़ अपना बात करने में, एक्ट करने में, या अपने आप को परफॉर्म करने में, तो आप उस टाइम पर जूझ रहे हो, आप उस टाइम पर फ्लाउंडर कर रहे हो, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हो, आपको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो आप अभी कहीं ना कहीं फ्लाउंडर ही कर रहे हो, आप थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, आपके लिए वो सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, आप सोच रहे हो गौरव भाई आप तो फटाफट बता रहे हो, आपको ये पता रोबस्ट ये होता है, एक्रीमोनियस ये होता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, तो आप अभी कहीं ना कहीं फ्लाउंडर कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करोगे तो बेहतर हो जाओगे, तो अभी आप फ्लाउंडर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बाद में योद्धा बनोगे, ठीक है। तो ऐसे याद करना कि भैया मैं तो फ्लाउंडर कर जाता हूँ, या जब भी मैं ऐसी सिचुएशन फंसता हूँ जहाँ सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं फ्लाउंडर करने लगता हूँ, ऐसे याद करना। अब एक प्यारा वर्ड बताता हूँ, मुझे याद आ गया, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता, पता नहीं क्यों, भगवान की कृपा है, या मैं खूब अच्छी अच्छी चीज़ पढ़ता हूँ, मुझे याद आ जाती चीज़ें। अब मेरी फेवरेट है एक जाह्नवी कपूर दोस्तों,
जानवी, जे जानवी, जे ए एच एन, क्या लिखा है यार, जे ए एन एच वी आई, जानवी कपूर है ना। तो जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू दिया था कपिल शर्मा के शो में, उसने ये बोला था राजकुमार राव के बारे में कि राजकुमार राव, उसने बोला था, जानवी कपूर ने बोला था कि उसको वो घर से स्क्रिप्ट याद करके आती है, उसके मतलब जो भी शूट करना होता है उसको घर में पहले ही स्क्रिप्ट मिल जाती है, कल आपका ये सीन है ऐसा ऐसा करना है। लेकिन जानवी कपूर सेट पर पहुँचती है और कोई अगर डायरेक्टर उसकी स्क्रिप्ट को काट के और तुरंत के तुरंत नई स्क्रिप्ट दे देता है कि नहीं तुमको ये कल जो तुमने रटा इसको नहीं बोलना, तुमको चेंज कर दिया, तुम्हारे डायलॉग अब ये हैं, तो भैया जानवी कपूर क्या कर जाती है, फ्लस्टर कर जाती है। क्या कर जाती है? फ्लस्टर, एफ एल यू एस टी ई आर, फ्लस्टर मतलब होता है एकदम से घबराना, एकदम से घबरा गया, एकदम से कंफ्यूज हो गया, एकदम से मतलब परप्लेक्स, वही स्तब्ध हो गया, पजल्ड हो गया, इस तरीके का। तो फ्लस्टर मतलब होना बहुत ज़्यादा घबरा जाना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाना, एकदम से झटपट आ जाना। तो उसने बोला था मैं फ्लस्टर कर जाती हूँ, मैं फ्लस्टर हो जाती हूँ। तो देखो मैंने कैसे याद किया, लिंक किया मैंने, मुझे पहले पता था मतलब फ्लस्टर मतलब होना एकदम से मेरे सामने कोई संस्कृत भाषा बोलेगा या चाइनीज़ बोलेगा तो मैं फ्लस्टर कर जाऊँगा, घबरा जाऊँगा भाई कि ये क्या बोल दिया, कैसे आंसर दूँ, क्या करूँ। तो ऐसे जानवी कपूर फ्लस्टर कर जाती है। तो मैंने ऐसे लिंक करके मैंने अपनी इंग्लिश ऐसे इंप्रूव करी, तो आप भी ऐसे किया करो, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ा दिया दोस्तों, बस इतना ही पढ़ाना था और कुछ नहीं है। मैंने बहुत ताकत से बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है, पंखा बिल्कुल स्लो चल रहा है, अभी भी स्वेटिंग हो रही है, लेकिन कॉन्टेंट अच्छा है, आपकी हेल्प होनी चाहिए दोस्तों। अगर सच में दिल पे अच्छा लगा हो, खुशी मिली हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि गौरव तिलथिया आपने कैसा पढ़ाया, मज़ा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सब कुछ बताएं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और दोस्तों लास्ट प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना और पार्ट वन जरूर देख लेना, ओके। और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो विराट कोहली की तरह दोस्तों, आपका नाम भी दुनिया में चलेगा, ऐसे फर्जी इंसान की तरह रहना नहीं है। अगर मेरे चैनल पर आओ तो कुछ स्पेशली काम होना चाहिए, है ना। मेरी कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं, 5,500 लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सब 5,500 टॉप क्लास के हों। वो मुझे 5 करोड़ सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरी 5 लाख की ऑडियंस भी होगी ना, तो मेरे को जेन्यून खतरनाक बिल्कुल योद्धा बंदे चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, until we meet again, Gaurav Tilthiya signing off, love you all, bye।